चलिए आज बनाते हैं यूपी स्टाइल में भरा हुआ लाल मिर्ची। और फिर इसके बाद सबसे पहले इसको हम लाएंगे खरीद के, वॉश करके इसको धो के 2 दिन सुखा लेंगे धूप में। फिर ये जो मिर्ची का, ये यूपी स्टाइल में है, ये जो मिर्ची का है वो जो मैं निकाल रही हूँ उसको दम आराम से निकालना ताकि वो कटे ना आजू बाजू में, नहीं तो मसाले के साथ ऑयल में डालेंगे तो बाहर आते। तो इस वजह से उसको आराम आराम से, ये देखिए मैं किस तरीके से तोड़ रही हूँ कि ताकि मेरा बाहर का ना फटे। बहुत से लोग अलग अलग टाइप बनाते, ये मेरे टाइप है, मतलब मेरी सास की रेसिपी है जो मैं उनसे पूछ कर बनाई हूँ, फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। तो आप लोग बताना देखकर कि सही है कि नहीं। अभी मेरे हस्बैंड को ये ऐसे ही पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ हस्बैंड की पसंद। अब इसको मैं एक स्टिक के मदद से अंदर होल कर करके रखूँगी और फिर उसके बाद में मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे अजवाइन है, जीरा, सौंफ 2-2 चम्मच है, ये आधा किलो का हिसाब से, तो 2-2 चम्मच जो नॉर्मल चम्मच रहता है अपना खाने का उसी चम्मच से 2-2 चम्मच है सब। और फिर इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रोस्ट हो गया। अब 200 ग्राम अक्खा धनिया रहता वो लेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैं किस आराम आराम से रोस्ट कर रही हूँ, देखो मतलब ये भी रोस्ट हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग। और आप लोग ज़रूर बनाना, ट्राई करना, बताना कि कैसी लगी ये मेरी रेसिपी आप लोग को। अब ये यहाँ पे रोस्ट हो गया है। और अफसाना खान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बताओ कि कैसे लग रहे हैं ये देखिए यहाँ पे। और आपको अच्छी अच्छी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर मैं दूंगी। और ये देखिए यहाँ पे ये रोस्ट हो गया, अभी हमें इसको निकाल दी यहाँ पे। अब इसमें लहसुन डालूंगी, यहाँ पे लहसुन डाल दी और इसको भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे लहसुन को भी। ये देखिए यहाँ पे लहसुन भी रोस्ट हो गया अच्छे से। अब ये सबको रोस्ट करके थोड़ा हल्का ठंडा करके 1 चम्मच मैंने नमक डाली, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। उसको पाउडर बना लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया यहाँ पे। एरोप्लेन जा रहा है, प्लीज़ उसको मत सुनो, वो आवाज़ आती रहती है प्लेन के, यहाँ से बहुत जाती है, 1-1 मिनट पे प्लेन जाती है। फिर यहाँ पे देखिए मैं जब मसाला हो गया तो मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि मतलब इस तरीके से मसाला, और आप खटाई भी डाल सकते हो, मेरे पास खटाई नहीं थी तो मैं यहाँ 2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और ये मेरी एक कज़न ननद है, उसने मुझे बताई थी कि इसके अंदर ये सूखा के धनिया भी डालने का। ये मेरी खुद की रेसिपी नहीं है, ये मेरी सास की रेसिपी है, मैंने उनसे पूछा था हस्बैंड को, मैं बोली उनकी हस्बैंड को ये बहुत पसंद है तो ये उनकी रेसिपी, इसलिए मैं पूछ के बना रही हूँ ताकि उनको अच्छा लगे। तो मेरी सास ने बोली खटाई नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल देना, तो यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर डाली हूँ ये देखिए। और अभी तक तो ये तो मैं वीडियो अभी डाल रही हूँ, जब भी बना दी थी तो सब लोग खाना भी स्टार्ट कर दिया, अभी थोड़ा सा ही बना, ज़्यादा मैं बनाई नहीं। देखो मैं एक स्टिक की मदद से पहले इसको आराम आराम से होल कर दूंगी, ये देखिए यहाँ पे आराम से करना ताकि आजू बाजू का भी फटे ना, तो मसाला बाहर आएगी, जब भी अपन ऑयल में डालेंगे तब ये बाहर आने लगेगा। तो इससे आप आराम आराम से इसको होल करके सारा एक साथ होल कर लेंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ होल, आप लोग मेरे हाथों पे ध्यान दो। ये देखिए यहाँ पे होल सब हो गया रेडी। अब एक एक करके सब मुट्ठी में पकड़ेंगे और इस तरीके से मुट्ठी पे रखेंगे और आराम आराम से मसाला साइड ऐसा साइड साइड से उठा उठा के मुट्ठी के अंदर डालेंगे और एक एक करके। हाँ ये है कि इसको पेशन के साथ में करना पड़ेगा क्योंकि भरने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप कट करके भरते हो मसाला, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या काट देते जो उसका पीछे का साइड है तो क्या जल्दी भर जाता है, लेकिन उनका मसाला गिरने का मतलब डर रहता, पूरा मसाला बाहर आ जाता। इस तरीके से रहेगा तो मसाला नहीं बाहर आएगा। और ये देखिए मेरा अच्छे से वीडियो में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बच्चे ने मोबाइल पकड़ा था। अभी इंशाल्लाह आगे के सब वीडियो कुछ दिन बाद अच्छे अच्छे आएंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे ही देख लो आप लोग, समझ लो। देखिए मैं किस तरीके से मतलब भर रही हूँ मुट्ठी में ऐसे रख के, फिर जो मसाला फिर मुट्ठी में डालने का और फिर भरते रहने का, थोड़ा टाइम लगेगा और पेशेंट के साथ में करना है। और क्योंकि आप जब फ्री रहो तभी ये करो,
नहीं तो फिर नहीं। और इसको अच्छे से दबा दबा के भाई अंदर तक जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो खाने में मतलब इतना टेस्टी नहीं लगता। इसको भरने के बाद भी 2 दिन आपने उसको धूप में सुखाने का, हल्का ऑयल लगा देने का जो इसके बाजू का है। ये देखिए यहाँ पे मैंने किस तरीके से सब कुछ भर दी यहाँ पे। ये देखिए हमारी मिर्ची कितने भरे भरे लगे, कितने वैसे थे। और इसको बिना सुखाए ना तो भरने का नहीं, ये थोड़ा लूज़ लूज़ हो जाता है, तो भरने में अच्छा भी रहता है। मेरी सास ने बोली थी कि मतलब थोड़ा लूज़ हो जाएगा तो अच्छा मतलब रहेगा। और हस्बैंड तो खा खा के अभी स्टार्ट हो गया रमज़ान चल रहे, तो रमज़ान में भी खा खा के रोटी के साथ में अभी कल से खाना सभी स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे ऑयल लेंगे, अभी ऑयल में मैं ऐसा डुबा रही थी तो उसमें ऑयल नहीं जा रहा था उसके साइड में, पीछे वाले साइड में। तो अभी मैं आगे ना इसको चम्मच से भरूंगी, इसको पीछे ऑयल लगा देने का और 2 दिन तक सुखा देने का। अभी देखना आगे मैं ऑयल लगा चम्मच से भरने लगूंगी, क्योंकि अच्छे से इसके अंदर ऑयल नहीं जा रहा था। जब चम्मच से भरेंगे तभी ऑयल इसके अंदर जाएगा। अभी देखना आप, ये अभी भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, अभी भी मेरे को नहीं मतलब आ रहा था। अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से उठा के चम्मच से भर रही हूँ। बहुत ही अगर आप लोग के पास आम की खटाई है तो आप लोग आम की खटाई से भरना, अगर आमचूर नहीं है तो आप आमचूर भी डाल सकते हो। मैं आमचूर डाली तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी है और एकदम मस्त है और अच्छा बना था, ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। अभी 2 दिन यहाँ पे मैं सुखाने के बाद अब इसमें डब्बे में हल्का ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए अब एक एक करके डब्बे में अचार डालेंगे, जितना मतलब मिर्ची भर के रखे थे आराम आराम से एक एक करके। देखो 2 दिन सूखने के बाद कैसा और मतलब ऐसा हो गया, सूख गया है। हाँ तो इसको धूप में सुखाए बिना नहीं डालना। अब मैं ऐसे 2 दिन और छोड़ दूंगी इसको धूप में रहने के लिए, और फिर खाने के लिए जैसा होगा ये। ये देखिए यहाँ पे, और फिर एक 200 ml का फिर से मैंने ऑयल ऊपर से भी डाल दी ताकि ये अच्छे से बने। ये देखिए ऐसे आप लोग भी करना, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना, नहीं तो फिर मसाले में पूरा